नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो आज के हमारे इस क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस डैशबोर्ड की। जी हां, परफॉर्मेंस रिपोर्ट डैशबोर्ड की हम एक आपके सामने डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम डेटा को समझ लेते हैं कि डेटा क्या है। बेसिकली ये सेल्स का डेटा है हमारे पास, और सेल्स के डेटा में आप देखिए कि यहाँ पे सेल्स की सेल्स आईडी हो गई, डेट हो गया किस दिन को सेल हुआ है, सेल्स मोड है हमारा, और यहाँ पे हमारी है कस्टमर की आईडी, नेम, स्टेट कौन सा सिटी है, प्रोडक्ट की आईडी क्या है, प्रोडक्ट कोड है, कितनी क्वांटिटी, और ए एमआरपी हो गई, किस एमआरपी से टोटल अमाउंट क्या हुआ, यहाँ पे अमाउंट दे देता हूँ, टैक्स कितना हुआ और यहाँ पे टोटल क्या हुआ, और इसके लिए कितने कॉल्स किए गए और किस साइट के जरिए हमारा सेल्स हुआ। चलिए इसी इंफॉर्मेशन की हम एक डैशबोर्ड एक क्रिएट करते हैं, एक एक डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं डैशबोर्ड और ऊपर हम छोड़ देते हैं थोड़ा सा एरिया, फिर हम बाद में ऐड भी कर लेंगे। छोटा छोटा करते हैं, तो और इसको हम यहां से ग्रे कलर कर देते हैं। इसे फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट होती है, तो थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे आपके साथ कर रहे हैं। सेम साइज का होना चाहिए, और यहां पे हम मर्ज करता हूं, और यहां पे हम देते हैं सम। सम में हम डेटा से लेते हैं टोटल क्वांटिटी कितना सेल्स हुई है, हम मिडल में करते हैं, और इसको थोड़ा सा हम कॉमा सेपरेटेड करते हैं मिडल में, छोटा करते हैं इसको, और इसको मर्ज करके यहां पे देते हैं। छोटा कर लेते हैं साइन, इसी चीज को हम यहां पे रिपीट करते हैं नीचे। क्वांटिटी के जगह पे मैं यहाँ पे सम करता हूँ, सम में मैं यहाँ पे देता हूँ आपका अमाउंट, टोटल रेवेन्यू, फिर भी हम सेल कलर करते हैं, थोड़ा सा स्टाइलिश करते हैं, और डैशबोर्ड बनाने में थोड़ा सा टाइम एक्सेल पे लगता है, लेकिन इसलिए पावर वी आई आया है, पावर वी आई पे उतना टाइम नहीं लगता है। उसके बाद मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ सेम, और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे टैक्स हो जाएगा। बाद में इसको मैं लिंक करूंगा अपने ऑटोमेट करूंगा, लेकिन फिलहाल हम नॉर्मली करते हैं। टैक्स हो गई, और
चौथा कि टोटल कॉल्स कितने किए गए इसके लिए, ये यहां हम कर देते हैं। यहाँ भी एक कॉल हम सम और कॉल्स जो है हमारा कॉल्स यहाँ पे ओवरऑल समरी रहेगा। कलर इसकी कलर हटा देता हूं मैं, ये रहेगा, और इसकी भी कलर मैं यहां से हटा देता हूं। बीच में हम इसको छोटा करते हैं, बीच में इसको क्लियर करते हैं। ये हमें पहले फॉर्मेट तैयार करना होता है, तो ये हम फॉर्मेटिंग तैयार कर रहे हैं। बाद में बाकी फॉर्मेटिंग हम कर लेंगे। और यहाँ पर डेटा है, सबसे पहला हम सेल्स निकालते हैं। अब इसके लिए अब यहाँ पे छोटा सा काम और कर देते हैं। कैलकुलेशंस का एक कॉलम डालते हैं कैलसी का, और हमें चाहिए पहले सेल्स मोड। सेल्स मोड में हम पहले और नेम लेते हैं, नेम रेंज यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ इसमें डेटा मेनू में जाते हैं, यहाँ करते हैं रिमूव डुप्लीकेट। यहाँ पे क्वांटिटी को हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम करते हैं सम इफ का फॉर्मूला, और सम इफ के फॉर्मूले में हम बात करते हैं कि इसमें जो नेम है नेम को सिलेक्ट करूँ ए टू, और फिर यहाँ क्वांटिटी को सिलेक्ट करूँ, ये हमारी क्वांटिटी आ गई। अब इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट करते हैं एक चार्ट। चार्ट में हम यहाँ पे पाई चार्ट ही लेते हैं, सही रहेगा, पाई चार्ट में डोनट चार्ट लेते हैं, पाई चार्ट पर गोल हो जाता है, ठीक रहेगा, डोनट चार्ट ठीक रहेगा इसमें।
डोनट चार्ट का हम लिस्ट टाइम जो है हम कुछ इस तरह का लेते हैं। यहां से हम कट करते हैं और ले जाते हैं डैशबोर्ड पे। पहले वाले इसमें मार्क पेस्ट करते हैं। छोटा कर देते हैं। राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा लेबल, और इसमें हम इसकी कैटेगरी नेम तो छोटा कर दिया इसको करके, और यहाँ हम इसको अलाइनमेंट में जाता हूँ। अलाइनमेंट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा फाइनल हो गया। अब इस पे मैं राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा पे जाता हूँ। चेंज चार्ट, चार्ट टाइप नहीं, सिलेक्ट सेलेक्ट डेटा, और सेलेक्ट डेटा पे मैं यहाँ एडिट एडिट पे आता हूँ। इसकी जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी के जगह पे मैं वहाँ पे डैशबोर्ड का टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी यहाँ सेलेक्ट कर लेता और मैं एक बार वापस जाता हूँ चार्ट, इसको डिलीट, चार्ट टाइटल को तो डिलीट कर चुका था मैं। इधर फॉर्मेट प्लस, हाँ चार्ट टाइटल, और यहाँ से इसको बड़ा करता हूँ, और इस चार टाइटल को हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, और यहाँ पे हम इसको यहाँ से छोटा कर देते हैं। और इसको एक बार यहाँ से कट करके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, और इसको पेस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इसको बड़ा कर देता, और बाकी के जो चीजें हैं इसको यहां से हाइड कर देता
यहाँ पे हमने राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा पे आता हूँ, एडिट परसेंट नीचे करके देखो, ये फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस पे मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट टाइटल पे आता हूँ, ये यहाँ फिल बॉर्डर अलाइनमेंट नंबर नहीं था, मैंने ये कर देता हूँ डेट। चलिए अब एडजस्ट हो गया, तो ऐसा इसलिए किया ताकि अब मैं डैशबोर्ड पे इसको मैं राइट करके हाइपर लिंक कर देता हूँ। यहाँ नहीं हुआ था, कंट्रोल के कीजिए तो लिंक आ जाता है, और पहले दिस डॉक्यूमेंट और हम सीट फोर से इसको लिंक कर देते हैं। अब इससे क्या होगा कि इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इस तरह से दिख जाएगा, और फिर इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके हाइपर लिंक, हाइपरलिंक्स में नहीं आ रहा था, कंट्रोल के कर दीजिएगा तो लिंक यहाँ आ जाएगा डैशबोर्ड से। इस तरह से एक दिखेगा कि जूम हो रहा है इस पर। सेक्शन था ना इसलिए दिक्कत। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए इस तरह से जूम आउट और जूम इन होगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन पे आते हैं। अब मुझे यहाँ पे अब प्रोडक्ट बाय सेल का ग्राफ बनाना है, तो वापस कैलकुलेशन में आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं और हम यहाँ डेटा में रिमूव डुप्लीकेट करते हैं, और यहाँ पे हम इसको वापस क्वांटिटी और यहाँ प्रोडक्ट वाइज हम यहाँ पे करते हैं रेवेन्यू टोटल, तो यहाँ पे हम सम इफ का फॉर्मूला लगाते हैं, सम इफ रेंज में जाते हैं और हमें प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं कॉमा अमाउंट को टैक्स एक्सक्लूडिंग टैक्स है, ई टू नहीं ई टू है, यहाँ पे हम इसको हम डिलीट कर दे, इसका भी हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। हम यहाँ पे डोनर चार्ट भी इसी को डोनर चार्ट ही करते हैं, और फिर यहाँ से हम इसकी फॉर्मेटिंग ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें कोई फॉर्मेटिंग चेंज वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ इसको यहाँ से कट कर दें, यहाँ से इसको इस ए भी ले सकते हैं यहाँ से, या ए ले सकते हैं, ये ठीक रहेगा। यहाँ से इसको कट करते हैं और चले जाते हैं डैशबोर्ड पे, पेस्ट, और यहाँ पे इसको लेते हैं यहाँ पे। ये टोटल यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं
मैनुअली इसको ड्रैग करता हूँ बड़ा, ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखे। नेम तो बड़ा, इसको बड़ा ही रखते हैं। इसको यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हो गया, और इसको कंटिन्यू कर देते हैं यहाँ से। तो ये दो चीजें हो गई। अब इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, नई सीट ऐड करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको भी थोड़ा सा हम बड़ा कर, और बाकी सारे को यहाँ से सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके हाइड, इसको भी सिलेक्ट किया नीचे तक, राइट क्लिक हाइड, डैशबोर्ड पे राइट क्लिक करके मैं इसको यहाँ पे लिंक तो नहीं आ रहा, लेकिन कंट्रोल के करता हूँ और सीट फाइव को सिलेक्ट कर लेता हूँ और वापस सीट फाइव पे आता हूँ। इस पर राइट क्लिक करता हूँ, इस पर लिंक नहीं आ रहा है तो मैं कंट्रोल के करके यहाँ इसको सीट डैशबोर्ड से लिंक कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो डैशबोर्ड पे आऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा तो इस पर आ जाऊँगा। तो इस तरह से आप इसका मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ करना था, इतना बड़ा तो नहीं चाहिए था इसको। यहां से वेबसाइट के हिसाब से था कि आईपीटी इंडिया का टोटल क्वांटिटी कितना है एंड रेवेन्यू कितना है, और फिर यहां पे सुजीत साइज का छोटा कर देते हैं। डायरेक्ट यहां पे सबमिट और हम डेटा में जाते हैं, इसको लेते हैं कॉमा, वापस फॉर्मूला में आते हैं इसको लेते हैं कॉमा, और डेटा पे चले जाते हैं और हम यहाँ पे क्वांटिटी को सिलेक्ट करते हैं। इसी चीज़ को नीचे ड्रैग करते हैं और सेम फॉर्मूला हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे अभी जो ऊपर क्वांटिटी या रेवेन्यू आया है ना, ऐसा नहीं करते, इसको थोड़ा सा अलग ढंग से बनाते हैं, थोड़ा सा अलग ढंग से बनाते हैं। एक मिनट मैं इसको, यहाँ पे सम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडिया एंड क्वांटिटी, यहाँ पे लिखता हूँ सुजीत, इंडिया यहाँ करना था आईपीटी क्वांटिटी और यहाँ रेवेन्यू, और यहाँ पे आपका
यहाँ पे सामिफ लगाना है, सामिफ में गया और यहाँ हमने आईपीटी इंडिया को सिलेक्ट किया, कॉमा ओ टू और हम यहाँ पे क्वांटिटी का टोटल ले लिया। ओ टू नहीं होगा, ओ थ्री होगा, ओ थ्री तो लग रहा है, वो स्पेलिंग मिस्टेक, आईपीटी आईएनडी इसको हम अमाउंट फिगर में नहीं रखते हैं, इसको हम फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको हैश कॉमा साइड में, हाँ रेवेन्यू रेवेन्यू में मैं यहाँ पे सेम ये समिफ सेम हो जाएगा जो हमने लगाया है और इस समिफ में हम यहाँ पे जे की जगह पे हम कर देंगे आपका एन लेकिन अमाउंट कुछ काफी बड़ा आया है। अमाउंट जो है काफी बड़ा आया है तो इसको हम एक काम कर सकते हैं फॉर्मेट सेल में और यहां पे हमने दे दिए हैं 0.00 डबल कॉमा मिलियन सेम फीचर हम इसको यहां से कॉपी करते हैं और यहां भी पी की जगह पी चेंज हो गया तो यहाँ पे आर आर की जगह पे पी पी करना होगा, ड्रैग करते समय हमने ध्यान नहीं दिया और यहाँ पे जे और यहाँ पे भी ये हमारा साइड के हिसाब से आ गया। अब यहां पे हम
यहाँ पे हमें देना पड़ेगा इसको और इसको प्लस हमारा इंसर्ट करेंगे इसमें हम नॉट चार्ट। इसमें हमारा परसेंटेज निकल इसमें हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। हमारा ग्रे हो जाएगा। यहाँ पे इसके फॉर्मेट है ये हमारा हो जाता है ग्रीन, ताकि हमें पता हो कि और ये हो जाएगा हमारा पिंक। और यहाँ हम इंसर्ट करते हैं एक टैक्स। यहाँ देखते हैं Q Q Y और सेम हम यहाँ पे रेवेन्यू के लिए गलत किया, हमने गलत कर दिया। इसका कलर ये होगा और इसका कलर जो हो जाएगा यहाँ से हम ग्रे देते हैं। नहीं, ये ब्लैक होगा, ये हो जाएगा ग्रे, क्योंकि ये जो है टारगेट अचीव नहीं हुआ है ग्रे। जो परसेंटेज का ये है ये डिलीट हो जाएगा, ताकि पता चलेगा कि IPT इंडिया का क्वांटिटी जो है 70% क्वांटिटी अचीव हुआ है। हाँ, 70% क्वांटिटी अचीव हुआ है। और ये मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ राइट क्लिक करके फॉर्म में डेटा सीरीज। हाँ ये सही, ये नहीं चाहिए। हाँ
और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही रेवेन्यू का हमें करना पड़ेगा। इसका आता है मतलब क्वांटिटी का, हमारा हो जाएगा ब्लैक जाएगा हल्का ग्रे। तो ये पता चल जाता है कि सुजीत कुमार की क्वांटिटी कितनी है और इसकी क्वांटिटी कितनी है, कितना अचीवमेंट है ओवर, मतलब कितना कंट्रीब्यूशन है दोनों के बीच में, ये हमारा पति से पता चल रहा है। तो ये हमारा, इसका मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है। मैं इस वीडियो को दूसरे पार्ट में कवर करूँगा। तो इस वीडियो का व्यू आप मुझे अगर अच्छे खासे व्यू पे पहुँचा देते हैं तो मैं इसका दूसरा पार्ट जरूर बनाऊंगा। जी हाँ, दूसरा पार्ट मैं आपको जरूर बनाऊंगा। दूसरे पार्ट के लिए आप मुझे इस व्यू को, आप जितना जल्दी इस पे देखिए और इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं दूसरी पार्ट इसको मैं कल रिलीज कर दूंगा। जी हाँ, कल के लिए वेट कीजिए, कल मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट रिलीज कर दूंगा। और इसका तीसरा पार्ट भी होगा क्योंकि अभी ये मैनुअल बन रहा है, अगली बार इसको हम ऑटोमेट करेंगे, क्लिक करते हैं पूरा अपने आप को चेंज कर।